वो घर दिख रहा है ना, उस घर को जिन्होंने बनाया उनको लगा कि वहाँ पर कुछ है इसलिए वो घर छोड़ के चले गए। मेंढक दिख रहे हैं, जल्दी जल्दी। क्वार्टर मिलियन गेम के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हमारे 4 सब्सक्राइबर्स क्वार्टर मिलियन के लिए एक दूसरे से एक मुकाबला करेंगे। कंटेस्टेंट्स कैश प्राइज को जीतने के लिए 3 गेम खेलेंगे और हर एक गेम हम अलग अलग एपिसोड में दिखाएंगे। हर गेम में एक सब्सक्राइबर एलिमिनेट होगा, पहले में एक, दूसरे में एक और लास्ट आखिरी गेम में 2 कंटेस्टेंट खेलेंगे और जीतने वाला कंटेस्टेंट 2.5 लाख रुपए या क्वार्टर मिलियन कैश जीत के लिए जाएगा। अब तक पहला गेम पहले एपिसोड में खत्म हो चुका है। आइए दूसरे गेम को शुरू करने से पहले एपिसोड का रिकैप देखते हैं। स्मॉल बिजनेसेस या छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करने के लिए मैंने एक कॉन्टेस्ट रखा था जिसमें हमारे 4 सब्सक्राइबर सिलेक्ट हुए थे और पहले एपिसोड में उन्होंने कॉइन्स इन द कॉफी पूल गेम में पार्टिसिपेट किया। पहले गेम में किसी ने अपना दिमाग यूज किया और किसी ने अपना फिजिकल स्ट्रेंथ यूज किया। पहला एपिसोड पूरी तरह खत्म होने के बाद हमारे एक कंटेस्टेंट नवाज एलिमिनेट हो गए। अब हमारे बाकी 3 कंटेस्टेंट सेकंड गेम खेलने जा रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस, आप तीनों क्वालिफाई हो गए हैं और ये गेम है फाइंड द कॉफी बीन्स। ये राउंड हम अंधेरे में खेलने वाले हैं। ये गेम भी बहुत सिंपल है। इस गेम में कंटेस्टेंट्स को 3 जगहों से कॉफी बीन्स कलेक्ट करके अपने पास इकट्ठे करने हैं। हर जगह पर उनके पास 3 मिनट्स या 3 मिनट का टाइम मिलेगा। इन तीनों जगहों से कंटेस्टेंट्स के कॉफी बीन्स इकट्ठे करने के बाद इनमें से जिसके पास सबसे कम कॉफी बीन्स होंगे वो इस राउंड में एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन इन तीनों जगहों से कॉफी बीन्स इकट्ठे करना आसान नहीं होगा। पहली जगह है फ्रॉग्स पॉन्ड, दूसरी जगह पशुशाला और तीसरी जगह डरावना घर। ये तीनों जगह बहुत ही चैलेंजिंग होंगे। इस गेम में जो कंटेस्टेंट निडर होके बिना हिचकिचाहट सबसे ज्यादा कॉफी बीन कलेक्ट करेगा वही जीतेगा। तो इन तीनों जगहों पे आपको कॉफी बीन्स मिलेंगे। हर जगह पर आपको 3 मिनट का टाइम मिलेगा। आर यू रेडी? लेट्स गो। ठीक है, अब हम उन तीनों जगहों पर कॉफी बीन्स डालते हैं और उसके बाद हमारे कंटेस्टेंट्स को वहाँ पर ले जाते हैं। क्या आप ये यहाँ देख रहे हैं? ये आपकी पहली जगह है, ठीक है? ओके ब्रो। अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे मेंढक हैं। यहाँ पर सांप नहीं है लेकिन मेंढक जरूर है। मैं आपको थोड़े से कॉफी बीन्स देता हूँ। मुंह में डाल दीजिए। उसको मुंह में डाला है क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ। कॉफी बीन्स देखा ना आपने, खुशबू कैसी है? सुपर अच्छी है ब्रो। एक मिनट रुक जाइए, इसके अंदर जाके खेलना तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसको सीधे सेंटर में डाल दीजिए। अभी डालना क्या? बराबर सेंटर में डाल दीजिए। सुपर सुपर। अब जूते उतार दीजिए। निकलना है क्या? अब वापस पहन लो। भैया यहाँ पशु कष्ट तो नहीं देंगे? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। हाथ दिखाइए। ये जो कॉफी बीन्स हैं, इन्हें यहाँ पर थोड़ा सा फैलाकर छुपा दीजिए। इस जगह कॉफी बीन्स कहाँ पर डालने हैं ये वहाँ पर काम करने वालों का चॉइस है। पहली और दूसरी जगह तो फिर भी ठीक है लेकिन तीसरी जगह बहुत ही डरावना है। बहुत लोगों का मानना है कि वहाँ पर भूत है। इस जगह के बारे में पता करने के लिए हमने काफी दूर तक ट्रैवल किया और वहाँ पर रहने वाले एक आदमी से हम मिले। यहाँ एक गांव है, ये पप्पू रात में भयंकर शोर सुनता। एक स्त्री रात में साड़ी पहन के आती है, वो भूत समझ के सब ये गांव से चले गए। सब घर इधर भूत बंगला जैसा हो गया, ये गांव वीरान हो गया। यहाँ रहने के कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, सबको फिक्र है, किसी को भी भरोसा नहीं है। आज तक यहाँ कुछ दुरात्मा फिरता है, उससे हमको कोई नहीं नहीं मैं बोल दिया ना पहले आपको। सो गाइस, इसी जगह पर ये जो घर आप देख रहे हैं, वो घर जो आप देख रहे हैं, उस घर को बनाने वाले लोगों को लगा कि यहाँ पर कुछ है इसलिए वो ये घर छोड़कर चले गए। आज इस राउंड में हमें साबित करना है कि डर दिमाग में होता है और कहीं नहीं होता। ठीक है, तो सब रेडी हैं? रेडी ब्रो। आपको डरने लगेगा ना, मैं आपके साथ हूँ तो डरने की कोई बात नहीं है। आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आप में से कोई ड्रॉप आउट करना चाहता है तो ड्रॉप आउट कर सकता है। कोई ड्रॉप आउट होने की सोच रहा है? क्या आपको थ्रिलिंग लग रहा है? ठीक है, कम ऑन। तो मैं वहाँ पर कॉफी बीन्स डाल के आता हूँ, आप जरा यहीं पे रुकिए। ये जगह रोड के बहुत करीब है। हैरानी की बात ये है कि लोग फिर भी डर गए। क्या आपको ये दिख रहा है? यहाँ ये मिट्टी के रंग से बिल्कुल मिल गया है। तो आइए अब हम दूसरे घर के पास जाते हैं। लेकिन लोग अगर अपने खुद के घर को छोड़ के जाना चाहते हैं तो इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। तो बहुत सिंपल लोकेशन है, अब उनके साथ हम भी रहेंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। डर सिर्फ दिमाग में होता है लेकिन हमारे मन में अगर आगे बढ़ने का डर है तो फिर फिजूल है। तीनों जगहों पर हमने कॉफी बीन्स डाल दिए, अब कंटेस्टेंट्स उन्हें इकट्ठा करेंगे। उसके अलावा गेम में प्रेशर बढ़ाने के लिए कंटेस्टेंट्स कॉफी बीन्स कलेक्ट करने से पहले उन्हें एक साइकिल रेस में भाग लेना होगा।
इस रेस में जीतने वाले को पहली जगह पे पहले जाने का मौका मिलेगा, इसलिए एडवांटेज होगा। सो गाइस, आपको सिर्फ इतना करना है कि वो फ्लैग जो आप देख रहे हैं उसको क्रॉस करके आपको वापस आना है। उसके बाद पहली जगह वाले फाउंटेन के पास जाके आपको कॉफी बीन्स कलेक्ट करने हैं, और अगला स्टॉप आपको इधर कॉफी बीन्स कलेक्ट करने हैं, और आखिर में आपको हॉन्टेड जगह पर कॉफी बीन्स फिर से कलेक्ट करने हैं। रेडी 3 2 1 गो गो गो। अचानक एक कंटेस्टेंट की साइकिल का चेन निकल गया, इसलिए उनको साइकिल के साथ भागने की इजाजत दी गई। ये क्या? अरे उसे लेकर भागो, जल्दी भगाओ, भागो। कंटेस्टेंट में से जो भी पहले पॉइंट के अंदर जाएगा तब से 3 मिनट शुरू हो जाएंगे। फास्ट फास्ट। स्लो ब्रो, एक भी नहीं मिल रहा। क्या आपको दिख रहा है? हाँ ब्रो, हाँ ब्रो, थोड़ा ताप लगा हो ना। चीने हाथ डाल सकते हैं क्या? रिकॉर्ड कर रहे हैं, जितना हो सके कलेक्ट करो। किधर कलेक्ट किया उधर देना है क्या? इकट्ठे करके अपने हाथ में रखो, उसे छुपा लो, छुपा के रखो। ओके। टॉर्च लाइट नहीं है क्या? माँ संभाल के, संभाल के। ज्यादा मुश्किल है ब्रो। क्या आपको बीन्स मिले? हाँ मिल रहे ब्रो। कंटेस्टेंट को बढ़ावा देने के लिए हमने वहाँ के स्टाफ को भी बुलाया। टाइम खत्म हो रहा है ब्रो, मेरा साइकिल चेन टूट गया है ना। चेन टूट गया? नहीं, भाग सकते? हाँ? आप भाग नहीं सकते। तो कैसे जाना? साइकिल को लेकर जाना है। ठीक है, चेन डालने के लिए आपको वक्त मिलेगा। ठीक है ब्रो। क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे मेंढक हैं। ऑडियो ऑन कर दिया ना ब्रो, ये लेने के ब्रो, इसे कुछ भी नहीं दिख रहा ब्रो। पैसे नहीं जीतने हैं क्या? गेम छोड़ना है? नहीं नहीं ब्रो, ये टास्क ज्यादा टफ है ब्रो। मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं करते ना। हाँ मेंढक। रिकॉर्ड हुआ क्या? तेरी। मैं तो फिसल गया। ऐसे बहुत रोमांचक घटने हुए हैं। हाथ में सांप आएगा तो भी अच्छा होगा ब्रो। हो गया हो गया हो गया, बाहर निकलिए। कम ऑन, उसे छुपा के रखना। हाँ ठीक है ब्रो। अब जितनी जल्दी हो सके कंटेस्टेंट को दूसरी जगह पर बीज कलेक्ट करने के लिए जाना होगा, क्योंकि पहले कंटेस्टेंट के वहाँ पर पहुँचते ही हम टाइमर शुरू कर देंगे। वहाँ अंदर अंदर जाइए। जरा ध्यान से ढूंढना, कुछ छोड़ नहीं देना। इस जगह पर थोड़ी सी गंदगी जरूर है, लेकिन इस मुश्किल के बावजूद जो सही खेलेगा वही आगे बढ़ पाएगा। ब्रो थोड़ा लाइट डालो ना। लाइट लाइट ब्रो। अरे यहाँ तो बहुत सारे हैं। हाँ ब्रो ज्यादा है। अरे आप क्या उठा रहे हो? ये पूरा बीन से ब्रो। हाँ काफी बीन से है, देखो। उधर उधर कवर कीजिए थोड़ा। ये क्या गौ पेशाब है? यहाँ पर हमने बहुत सारे बीन डाले थे, उठाए क्या आपने? हाँ उठाए। वहां पर भी होगा? हाँ ठीक है ब्रो। ये कवर कीजिए। वहां वहां कवर कीजिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी। 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good job. Stop, stop. यहाँ ये काफी उठाया आपने। सभी वो गोबर में ही है ब्रो। अब हम हॉन्टेड जगह जाने के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन वहाँ का मौसम अचानक खराब होने लगा और उस जगह पर थोड़ी बारिश होती रहती है। और अब उस जगह के रहने वाले आदमी की कहानी कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। नहीं नहीं मैं बोल दिया ना पहले आपको। तो देखा ना कितना अंधेरा है यहाँ। अब आपके पास सिर्फ 3 मिनट और हैं।
मैं अब टाइमर ऑन करने वाला हूँ, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है ना? कैसा लग रहा है, तैयार हैं आप? हाँ, रेडी ब्रो। और आप तैयार? रेडी ब्रो। ठीक है, 3, 2, 1 गो। को हमने कॉफी बीन्स कहाँ पर डाले हुए वो पहले से ही बता दिया है, इसलिए कॉफी बीन्स कहाँ पर मिलेंगे ये उनको अच्छी तरह से पता है। अरे बाप रे, जरा आराम से संभल के जाओ। कैमरा कहाँ है? मैं इस तरफ है ब्रो। इस जगह को लेकर कंटेस्टेंट में डर जरूर था, लेकिन गेम जीतने के लिए ये ध्यान से बीन्स इकट्ठे कर रहे थे। वाओ, ब्रो, देख के ना जा सकते क्या? बीन्स मिले आपको? हाँ मिला ब्रो। अब सिर्फ एक ही मिनट बाकी है। ओके। 30 सेकंड। ये कॉफी बीन्स ये मट्टी रंग में मिक्स हो गया। आप लोगों को कुछ मिला भी या नहीं? गाइस, वहां देखा क्या? टाइम्स अप, वक्त हो गया, स्टॉप। हाथ को क्या हुआ? थोड़ा गिर गया ब्रो। क्या हुआ ब्रो? वो इस तरफ आया ना, वो सामने में मैं गिर गया ब्रो। दिखाओ किधर, दिखाओ। इधर इधर है ब्रो, वो एक ही बार ऐसे गिर गया ना। गेम है, जोर से लगा क्या? नहीं ब्रो, नहीं देखा। देखा नहीं क्या आपने? ठीक है चलो, टाइम हो गया, अब हम वहाँ जाकर बात करते हैं। गेम खत्म हो गया है तो अब हम उस जगह से बाहर निकलने के लिए निकल पड़े। आखिर वहाँ पर हुआ क्या था? ए, नानी, मेरा शोल्डर में गिर गया ब्रो। वो समय में कांटों का पाए में गिर गया ब्रो। कोई बात नहीं, गेम है ना, छोड़ दीजिए। जरा पानी दे दो। ये क्या इधर बारिश रुक रुक के हो रही है? रिजॉर्ट में तो बारिश नहीं हुई थी ना? नहीं ब्रो, नहीं। जरा जल्दी, छोड़ दो। आप लोगों ने कितना इकट्ठा किया, काफी कलेक्ट किया होगा ना? अभी गेम खत्म हो गया, अब हम वापस रिजॉर्ट चलेंगे। अचानक कंटेस्टेंट नानी थोड़ा भावुक होने लगे। नानी क्या हुआ? मैं वो जानबूझ के नहीं किया। अरे ये तो पता है उनको, गेम है, ऐसा कभी कभी होता है। तुमने जानबूझ के तो नहीं किया ना? पहले गेम में भी मैं थोड़ा अग्रेसिव हो गया ब्रो। मैं ऐसा क्यों किया मुझे भी नहीं पता ब्रो। क्या आपको लगा कि ये जानबूझ के कर रहे थे? नहीं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? छोड़ दो, ये तो गेम है। छोड़ दो ब्रो, ये जानबूझ के नहीं किया। केला ना ब्रो, ब्रेन यूज करके ऐसा में केला हुआ तो क्या? मैं अग्रेसिव में केला ना, मैं ब्रेन यूज करके नहीं केला ब्रो, मैं फिजिकली अग्रेसिव हो गया ब्रो। छोड़ दो, कोई बात नहीं। मैं पूरा मैं जानबूझ के नहीं किया ब्रो, सच्चे ब्रो। ये सब अनजाने में हुआ, ठीक है, समझ गए। इसे देखो, इसने वहाँ पर एक्टिंग की थी, उसे वहाँ पर सही लगा तो उसने कर दिया। गेम में ऐसे कभी होता रहता है, हर कोई एक ही तरीके से नहीं खेलता। अब दोबारा तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए, इतने भावुक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे सब्सक्राइबर्स के बीच छोटे मोटे मतभेद सारे खत्म हो गए हैं। वो एक काफी इमोशनल मोमेंट था। आखिर में हमारे कंटेस्टेंट्स ने तीसरे जगह से भी कॉफी बीन्स कलेक्ट कर लिए। अब हम रिजॉर्ट वापस जाकर ये पता करेंगे कि हमारे कंटेस्टेंट्स ने कितने बीन्स कलेक्ट किए हैं और कौन सबसे कम कलेक्ट करते हुए एलिमिनेट होने वाले हैं। चलिए रिजॉर्ट चलते हैं, जरा गिनती शुरू कीजिए। ओह माय गॉड, क्रेजी मैन। देख लीजिए, कहीं पत्थर भी तो नहीं है? ये बीन्स हैं या पत्थर हैं पता नहीं चल रहा। देखा तो थोड़ा गोबर भी चिपक के होगा उसमें। वो है क्या, कॉफी बीन तो नहीं लग रहा ब्रो? यही ब्रो, हाफ पीस है वो। ये सोच रहा हूँ बीन नहीं है ब्रो, ये ऐसे जुड़ा हुआ था, टूट गया है। ये सबको मिला के देखिए कितने हैं। 107 है। गुड जॉब मैन, इसे जरा हटा दीजिए। और आपने 107 107 114, तो आप सेफ, आप सेफ हैं। yes. शायद आप या आप। अब कंटेस्टेंट नानी के पास कितने बीन्स है उसे पता चलेगा कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन एलिमिनेट होगा। उनहत्तर। आपने सोचा होगा कि आप सेफ है ना? हाँ ब्रो, मैं ऐसा ही सोचा, लेकिन ये नहीं हुआ। आंखें भर आई, थोड़ा फील लग रहा हूँ। इट्स ओके ब्रो, अच्छा, इतना दूर आया ना, ज्यादा लोग ये गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं पार्टिसिपेट किया ना, वो हमारा लक है ब्रो। आपको क्या लगता है,
नहीं सोचा ब्रो, मुझे भी सेम फीलिंग है ब्रो। काउंटिंग खत्म होने समय तक मैं ज्यादा परेशान हुआ कि इतना बिल कलेक्ट करेगा। मैं नहीं एक्सपेक्ट किया इतना कलेक्ट करेगा। देखा तो वो गोबर में ज्यादा था और वो पानी में भी ज्यादा मिला मेरे को। उसने भी तो वहाँ से बहुत सारे बीन्स उठाए थे। बुरा नहीं मानना, ठीक है? कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि गेम खत्म हो गया है। यहाँ से आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, आपने तो पूरी कोशिश की थी ना? हाँ किया ब्रो। लेकिन जिंदगी में आगे ही बढ़ना चाहिए। मैं आपको यहाँ से खाली हाथ नहीं भेजना चाहता। वैसे तो आप इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि आपने एक छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने की कोशिश की। किया था कि नहीं? किया ब्रो। कितना डोनेट किया था? 550 रुपए ब्रो। 550 रुपए दिए थे। मैं उसका 20 गुना ज्यादा आपको देने वाला हूँ। जरा गिन के देखो, ठीक है? और बुरा नहीं मानना। हाँ नहीं ब्रो, ऐसा नहीं। गुड जॉब, बाय। थैंक यू। ओके बाय बाय ब्रो। बाय ब्रो, ऑल द बेस्ट। बाय 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 ब्रो। बाय। कंटेस्टेंट नानी इस गेम से एलिमिनेट हो गए हैं और बाकी के दो कंटेस्टेंट्स गेम के अगले राउंड में खेलेंगे और उनमें से एक 2.5 लाख रुपए या $250,000 कैश जीतने वाले हैं। अगला गेम क्या है और कौन जीतेगा ये अगले एपिसोड में देखेंगे। सब्सक्राइब टू हर्ष साई, बोलिए लेट्स गो टू हर्ष साई।